तो आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये आसानी से हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, एक दो तीन लेक्चरों में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया, फटाफट कर लीजिएगा। ठीक, इसकी दो एक्सरसाइज तो इनिशियल वाली बहुत ही आसान है, लेकिन मैं उसका इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग तुरंत कर लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक, उसमें कुछ नहीं। पहली वाली जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग छह फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास छह फंक्शन कौन कौन से होते हैं? हमारे पास जो छह फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। गॉट इट? तो यानी हमारे पास टोटल छह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और इसमें एक खास बात होती है, ये दूसरे का अपोजिट होते हैं, एक ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है। ठीक, तो ये सब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक, तो इन्हीं छह फंक्शनों पर हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। ठीक, और इसको जल्दी से देख लेते हैं, दो तीन लेक्चर में जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो इसकी पहली दो एक्सरसाइज में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि पहले आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना होता है। क्या करना होता है? डिग्री से कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट टू डिग्री से डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन का मतलब क्या है? जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 डिग्री है। ठीक, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। किसमें करना है? रेडियन में। तो जब 30 डिग्री को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो आपको पाई अपॉन 180 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 से करना पड़ेगा। ठीक, अगर इसको पाई अपॉन 180 से कर देंगे तो अब ये रेडियन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? रेडियन में। अब अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो 30 हो जाएगी 6, कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन, पाई अपॉन 6 रेडियन ये हो जाएगा। अब इसका दूसरा वो ले लेते हैं कन्वर्ट। अब हम कन्वर्ट ले लेते हैं रेडियन टू डिग्री ले लेते हैं। जब रेडियन टू डिग्री ले लेते हैं तो इसमें अपोजिट होता है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया 2π/3। अब ये समय रेडियन में है। ठीक, और इसको किसमें करना है? डिग्री में। तो 2π/3 को अगर मुझे डिग्री में करना है तो जब यहाँ पाई अपॉन 180 से करते थे डिवाइड, अब यहाँ इसका अपोजिट कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई से कर देंगे। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कर देंगे तो 60 आ जाएगा, तो 62 का कितना होता है? 120। अब ये डिग्री में हो गया। तो कन्वर्ट आसान है, डिग्री से रेडियन में ऐसे करेंगे पाई अपॉन 180 से, और जब रेडियन से डिग्री में करना होगा आपको तो 180 अपॉन पाई से कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट पहली एक्सरसाइज पर तो इसी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, और तीसरा एक चीज आप याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर रेडियस, यानी कोण बराबर चार बटे तीन हिंदी में होते हैं, यानी एंगल इक्वल टू आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है? ये जैसे सर्किल होता है, तो ये जैसे हमारा ये सर्किल है, ये हमारा, तो ये आर्क है, ये इतना पार्ट ले रहे हैं तो आर्क, जैसे ये चार पार्ट है तो ये आर्क है इसका, ये क्या है? आर्क, ये आर्क है, ये भी आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है। ठीक है, तो आर्क, आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो इससे भी ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे ये आपका ये एक्सेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस होते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बात करें तो एक्सेस ना हो करके यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं 0, 90, ठीक है, 180, 270 और 330। यानी कि हम बात करें समय 90 का गैप, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये चार कोऑर्डिनेट हो गए। देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो इसी पर ही डिपेंड है, इसको अगर आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी।
ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, समय 90, 90, 90 का गैप होता है। इसमें एक फार्मूला होता है जो हम बताते हैं, उससे सारे फंक्शन क्लियर हो जाते हैं कि क्या होता है। जैसे इसमें बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, जैसे ऑल का मतलब ये होता है, अभी मैं बताऊंगा, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट टिकट, टिकट और कलेक्टर की बात जब मैं करूंगा तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक अष्टक एक वर्ड होता है। अगर मैं बोलूं अष्टक, अष्टक ठीक, इसको लोग अष्टक भी यूज करते हैं, अष्टक से मतलब समझिए, अष्टक का मतलब ये होता है ऑल, एस का मतलब होता है स्टूडेंट यानी साइन, टी का मतलब होता है टेन, और ये सी का मतलब होता है कॉस। पहली बात तो ये समझ लीजिए तीन क्या है, देखिए ये साइन है, ये कॉस है, टेन है, ये साइन है, कॉस है, टेन है, ये साइन है, ये कॉस है, टेन है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, बात समझ में। अब अगर रिवर्स की भी बात करेंगे तो ये साइन है तो कोसेक भी होगा, अगर ये कॉस है तो सेक भी होगा, अगर ये हमारा टेन है तो कॉट भी होगा। जैसे ये साइन कॉस टेन है तो साइन का पॉजिटिव कोसेक का भी, कोसेक थीटा पर फॉलो होगा, ये हमारा कॉस है तो सेक थीटा भी फॉलो होगा, ये टेन है तो हमारा कॉट थीटा पर भी फॉलो होगा। तो ये बात समझ में आई, ये साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन है। अब इसका मतलब है कि 0 से 90 के बीच में अगर कुछ आए तो सब पॉजिटिव होगा, अगर 0 से अगर देखिए अब इसे स्लैब अगर हम बना दें तो 0 से 90 के बीच में अगर कुछ भी आएगा तो ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑल पॉजिटिव, कुछ भी आएगा तो 0 से 90 के बीच सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हमारा 90 से 180 के बीच में आता है, ये देखिए 90 से 180 के बीच में आता है तो इसमें क्या होगा, केवल साइन पॉजिटिव होगा, ओनली ओनली साइन पॉजिटिव, यानी ओनली साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी निगेटिव, बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे निगेटिव, बाकी निगेटिव का मतलब ये हो गया कि साइन तो पॉजिटिव यानी कॉस और टेन निगेटिव। अगर हम यहाँ 180 से 270 की बात करें तो हमारा 180 से 270 के बीच में देखिए 10 पॉजिटिव केवल, ओनली 10 पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, बाकी निगेटिव, ठीक ये हो जाएगा ठीक। और लास्ट हम अगर बात करें फोर्थ क्वार्टर में तो कॉस पॉजिटिव, लेकिन ये कहा कब, 270 से 360 के बीच में, तो 270 से 360 के बीच में अगर हम बात करें तो हमारा कॉस पॉजिटिव यानी ओनली कॉस, ओनली कॉस पॉजिटिव, बाकी बाकी निगेटिव, बाकी निगेटिव मतलब बताते हैं बाकी, यानी ये अगर कॉस पॉजिटिव तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे यानी साइन नेगेटिव और टेन नेगेटिव। तो ये इसका कंक्लूजन, 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में ओनली साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव का साइन भी लगा देते हैं। 180 से 270 के बीच में ओनली 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर हम 270 से 360 की बात करें तो ओनली कॉस पॉजिटिव, ठीक देखिए कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो इतना क्लियर है, चलिए नोट करिए। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अगर हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है तो आप लोग क्या करिएगा, दो तीन चीजें आप लोगों को कर लेनी है, ठीक। ये फार्मूले आपको बनाने हैं और बना के हमें बता देने हैं, ठीक। फार्मूले देखिए क्या है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले आप लोग 90 माइनस थीटा का फार्मूला बनाइएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा का आप बताइएगा, सारे सारे फॉर्मूले यानी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के बना के बताइएगा। फिर आप 180 डिग्री माइनस थीटा पे बताइएगा, फिर आप बताइएगा 180 डिग्री प्लस थीटा पे बताइएगा, और आप बताइएगा 360 प्लस थीटा पे बताइएगा, ठीक है। ये भी बना सकते हैं आप, ठीक है, और आप ये भी बना सकते हैं 360 माइनस इस पे, ठीक। तो ये सारे यानी 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्योंकि अभी कोर्स में यही था। हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पर भी बताइएगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इतने आपको फॉर्मूले बना करके पूरी तरीके से रखने हैं। हाँ,
एक फार्मूला और भी होता है, वो हम कल बताएंगे, वो ऐसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। वो अभी बता दे रहे माइनस थीटा पर बताना होता है, क्या माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा हो गया होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, ठीक ठीक है। वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे उसमें कुछ होता नहीं है, हम आपको बता दें जो कॉस माइनस थीटा, अगर कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा की बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा होते हैं, ठीक, बाकी सब में निगेटिव होता है। अगर ये साइन माइनस थीटा होता, जैसे हम यहाँ लिखते हैं साइन माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाता माइनस साइन थीटा, ठीक। अगर टेन में हम अगर बात करें टेन माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा होता है, ठीक। केवल कॉस और सेक में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में क्या होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे टेन हो या कॉट, वो आगे निगेटिव लग जाता है, ठीक। तो हमें लगता है इतना आज अगली क्लास में बहुत है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।